श्रीनगर में गुपकार अलायंस की मीटिंग में एक दफा फिर आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मुद्दा उठाया गया। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर चर्चा के लिए बुलाई गई मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, CPIM, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स मूवमेंट के सीनियर लीडरान के अलावा जिला सतीक कारकुनान ने भी शिरकत की। मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए CPIM के सीनियर लीडर यूसुफ तारीगामी ने कहा कि सियासी मुतालबात को लेकर अलायंस की जद्दोजहद जारी रहेगी। मरकज पर कश्मीरी लीडरान की बेइज्जती करने का इल्जाम लगाते उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन से जो मराहत हासिल है उसे दोबारा हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये पैगाम देने के लिए अपने वतन को, अपने वतन के अवाम को, क्या जहां तक PAGD का ताल्लुक है, हम अलग अलग इकाइयों में हैं, जरूर हमें अलग अलग दस्तूर भी है, लेकिन जहां तक ये इस प्लेटफार्म का ताल्लुक है, हमने ये अहद किया है, वादा किया है, वादा बंद है हम सारे इकाइयां, क्या हम इस सफर पर आगे बढ़ते रहेंगे और हक मांगते रहें, वो हक जो जिसकी जमानत आईन में मिली है। श्रीनगर में गुपकार अलायंस की मीटिंग आज मुनक़िद हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये मीटिंग का जो है आयोजन किया गया। सभी राजनीतिक दलों से जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उनके लीडरों ने इसमें भाग लिया, और पहली बार जो सभी ज़िलों के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड्स हैं वो भी इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए आए थे। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद जिस तरीके से PAGD ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 370 और 35A जो कश्मीर घाटी से हटा दिया गया है उसको रेस्टोर करने के लिए महागठबंधन की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, और इस सिलसिले में वो आगे भी इसके इस जद्दोजहद में लगातार उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक किया है। और साथ में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्टोन पेल्टर्स के लिए हालिया जो सख्ती लाई गई है सरकार की ओर से, जिनके पासपोर्ट भी अब जो है नहीं मिलेंगे, उस प्रकार से भी उन्होंने उस पर जो है निराशा जाहिर करते हुए कहा कि गुपकार गठबंधन जो है इस पर भी लगातार अपनी प्रयास जो है वो जारी रहेगी, ताकि इनको भी अपना हक और अधिकार जो है वो दिया जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि 370 और 35A को लेकर जो फैसला किया गया है उस फैसले के खिलाफ भी जम्मू कश्मीर में जो महागठबंधन है वो आगे भी कार्रवाई करती रहेगी और उनकी जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगी। और साथ में जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो एक रेजोल्यूशन भी जिस तरीके से उन्होंने पास किया उससे साफ जाहिर होता है कि महागठबंधन आगे 35A और 370 को लेकर जो उन्होंने रणनीति बनाई है उस पर वो काम करते रहेंगे। कैमरामैन के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।